Hello everyone, welcome back to our channel Sylvi Cooking and Lifestyle. और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वॉशिंग मशीन से जुड़ा हुआ वीडियो। अगर आपके घर में सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो ये वीडियो आपके लिए है कि कैसे आप बहुत ज्यादा दिनों तक सेमी ऑटोमेटिक मशीन को बिना खराब किए चला सकते हैं। और बहुत ही आसान सा एक तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मोटर है वो बहुत दिन तक चलेगा। तो ये कुछ एक दो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जो आप अगर फॉलो करेंगे तो बहुत दिनों तक आपका जो ये मशीन है वो खराब नहीं होगा और अच्छी तरह से स्मूथली चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो ये है मेरा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये पर्पल एंड व्हाइट कलर का है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। वर्लपूल का है ये। 5 ईयर की वारंटी है इसमें। तो अभी मैं आपको वॉशिंग मशीन के ऊपर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से वॉशिंग मशीन के ऊपर कुछ स्विच दिए रहते हैं, जैसे कि ये जो बटन था डेलिकेट, नॉर्मल, हैवी, जो आप जिस तरह के कपड़े यूज करते हैं उस तरह के कपड़े का सेलेक्ट करें। अगर आप नॉर्मल यूज रोज वाले कपड़े पहन रहे हैं तो नॉर्मल, और अगर हैवी जैसे ब्लैंकेट या कुछ डेलिकेट कपड़ा है तो इस तरह सेलेक्ट कर ले आप कपड़ों के हिसाब से। एंड ये जो सेकंड वाला स्विच है वो टाइम का स्विच होता है। अगर कपड़े कम गंदे हैं तो 10 मिनट, बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो 15 मिनट, 5 मिनट, तो ये सारे ऑप्शन रहते हैं टाइम के। यहाँ पर ऑप्शन बना होता है 3rd नंबर का ड्रेन का, जो कपड़े वॉश करने के बाद हम पानी को निकाल देते हैं। और एक और ऑप्शन होता है वॉश और स्पिन का, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो वॉश में पानी जाएगा और इस तरह से स्पिन में पानी जाएगा। तो अभी मैं कपड़े धोने के लिए ऊपर से इस तरह का जो एक ढक्कन होता है उसे हम हटाएंगे और इस तरह से अंदर से दिखता है। इस तरह से पीछे 2 पाइप दी रहती है, एक से पानी वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और दूसरे से बाहर। वॉशिंग मशीन में पानी भरने के लिए मैं नल को इस तरह से खोल दूंगी। अभी आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन में पानी भरना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैंने पानी भर लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने नल को बंद कर दिया तो पानी आना बंद हो गया है। और अभी आपको मैं पानी में ही चला के दिखाती हूँ। ये डेमो के लिए मैं कर रही हूँ इसलिए मैंने सर्फ नहीं डाला है अभी। तो इतना सब करने के बाद मैं स्विच ऑन कर रही हूँ और फिर अभी हम इसे सेट कर लेंगे वॉश करने का टाइमिंग। अभी मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रही हूँ इसलिए मैंने सर्फ नहीं डाला है, सीधे कपड़े डाल रही हूँ। अगर आप धो रहे हैं तो सर्फ जरूर डालें। जो हमारे कपड़े हैं वो तैर नहीं रहे हैं। अगर वॉशिंग मशीन को ज़्यादा दिन और ज़्यादा अच्छी तरह से चलाना है, मोटर नहीं चलाना है, तो आप ध्यान रखें कि पानी का लेवल। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कपड़े डाल दिए हैं। तो अभी मैं वॉशिंग मशीन को ऑन करती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं पानी कम है और कपड़े ज़्यादा, इसकी वजह से ये पानी पे के ऊपर कि जो पानी का लेवल है वो कम है और जो कपड़े हैं हमारे वो ज़्यादा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि पानी का लेवल इस हद तक रखे कि कपड़े ऊपर तैर सके, इतना रहे कि पानी के ऊपर जो कपड़े हैं वो तैरें, ना कि इस तरह से। देख सकते हैं आप, चल नहीं रहा है अच्छी तरह से, घुमा नहीं पा रहा है वॉशिंग मशीन कपड़ों को अच्छी तरह से। तो सिर्फ ये एक छोटी सी जो ध्यान देने वाली बात है वो आपके लिए बहुत काम की बात साबित हो सकती है, क्योंकि आपका जो वॉशिंग मशीन का मोटर अगर बार बार जल जाता है तो उसका रीजन यही है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से मोटर जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है, अच्छे से वर्क नहीं करता है और कपड़े भी अच्छे और साफ नहीं धुलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये घुमा ही नहीं पा रहा। तो अभी मैंने क्या किया, वो सारे कपड़े को निकाल दिया और मैंने पानी के लेवल को ज्यादा किया और उसके बाद मैं अपना वॉशिंग मशीन आपको यूज करके दिखा रही हूँ। तो मैंने इसमें सर्फ डाल दिया और उसके बाद मैं कपड़े डाल रही हूँ इसमें। तो अभी मैंने डाल दिए कपड़े और अभी आप देख सकते हैं कि जो कपड़े हैं वो पानी के ऊपर आराम से तैर रहे हैं, आराम से स्पिन हो रहा है। तो इस तरह से इस बात का जरूर ख्याल रखें। तो बस ये एक छोटी सी बात का ख्याल रख के आप अपने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को सालों साल तक अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के आपका स्मूथली वॉशिंग मशीन चलेगा। तो आई होप कि आपको मेरा जो ये आज का वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो और आप भी अपने वॉशिंग मशीन को इस तरह से यूज करें। एंड आई एम श्योर कि बहुत दिनों तक स्मूथली आपका वॉशिंग मशीन चलता रहेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।